नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदास स्वाद में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको मूंगफली का चिक्की बनाना बताऊंगी। तो मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल मूंगफली ले ली है। तब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें मूंगफलियाँ डाल दी हैं भुनने के लिए। तो जल्दी हमारी मूंगफलियाँ भुन जाएंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मूंगफली अच्छे से भुन गई है। तो हम इसके छिलकों को अब उतार लेंगे और इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। दोस्तों चिक्की बनाने के लिए हमें मूंगफली के साथ साथ गुड़ भी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जिस बाउल से मूंगफली ली थी उसी बाउल से ही मैंने गुड़ को कद्दूकस करके ले लिया है। हमने गैस ऑन करके अपनी कढ़ाई रख दी है और उसमें हम ये सारे गुड़ को डाल देंगे। हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस गर्म करने से ही हमारा गुड़ काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं गर्म होते ही हमारा गुड़ है जो पिघलने लगा है। बहुत जल्दी से ही हमारा ये चिक्की बन के रेडी हो जाएगा। इसे आप ज़रूर से घर में ट्राई करिएगा। जैसे ही हमारा गुड़ जो है किनारों से थोड़ा सा जमने लगेगा तो हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा गुड़ जो है किनारों से थोड़ा सा जमने भी लगा है और इसमें से आप देख सकते हैं तार भी बनने लगा है। तो ये हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने मूंगफलियां भून के रखी थी उन्हें डाल देंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब गैस को हम बंद कर लेंगे। हमने गैस को बंद कर लिया है। अब हमने एक दूसरे बर्तन में जो है कि घी लगा के रख दिया था उसमें हम अच्छे से इन्हें फैला लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो चिक्की है अच्छे से थाली में फैल गई है। तो अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे रख के। दोस्तों ये हमारी चिक्की बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों ये चिक्की हमारी बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों मेरे इस तरीके से आप घर में चिक्की ज़रूर से बनाइएगा। और ये मूँगफली की चिक्की बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और ये सारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।